मौनी चिड़िया अपने घर में आराम से अपने अंडे के पास बैठी होती है। वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है। मौनी चिड़िया, ओ मौनी चिड़िया, जल्दी करो, बाढ़ आई है, जल्दी करो, पक्षी ये जंगल छोड़ के जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। मिट्ठू भैया, जंगल में अचानक बाढ़ कैसे आ गई? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा तो अंडा भी है। चिड़िया रानी, जान बची तो घर भी बन जाएगा। अपना अंडा उठाओ और चलो यहाँ से जल्दी। इधर बाढ़ का पानी जंगल में ऊपर आ जाता है। देखते ही देखते जंगल का पानी पूरे में भर जाता है। चिड़िया जल्दी से अंडा लेके निकल जाती है। सभी पक्षी उस जंगल से उड़े जा रहे थे, पर अचानक उसका अंडा बाढ़ के पानी में गिर जाता है। मेरा अंडा, मेरा अंडा, बाढ़ के पानी में वह बह जाता है। मिट्ठू तोता कहता है, जल्दी चलो तुम यहाँ से, वो अंडा तुम्हारे नसीब में नहीं था, और अगर बाढ़ का पानी और तेज आ गया तो तुम्हें भी बाहर ले जाएगा। चिड़िया रोती हुई मिट्ठू तोते के साथ चली जाती है। दूसरे जंगल में कौरी चिड़िया नदी के किनारे पानी पीने आई थी। उसे वहाँ पर वो अंडा बहता हुआ दिखता है। वो अंडा उसे वहाँ से उठा लाती है और उसे अपने घर ले आती है। गौरी चिड़िया, तुम ये अंडा कहाँ से लाई हो? मुझे ये अंडा नदी में बहता बहता दिखा। प्रभु की शायद यही इच्छा होगी, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, हो सकता है इसलिए ये अंडा मुझे मिला हो। दूसरे जंगल में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ के पानी में ये अंडा वहीं से बहता हुआ आया होगा। अब इस अंडे को मैं ही पालूंगी, मैं ही इसकी माँ हूँ। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक बच्चा आता है। देखो कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल हमारी जाति का ही है। ये देखो, बिल्कुल हमारे जैसा है। गौरी चिड़िया आज बहुत खुश थी। उसकी इच्छा थी कि पूरे जंगल में इस बात की खुशी ही मनाती फिरे। कुछ दिनों बाद मौनी चिड़िया और बाकी पक्षी भी बाढ़ के बाद अपने जंगल लौट आते हैं। मौनी चिड़िया को तो कुछ भी अच्छा ना लगता, मानो जैसे उसका सब कुछ उजड़ ही गया हो। मिट्ठू तोता मौनी चिड़िया का अच्छा दोस्त था। वह उसके पास रोज आता और उसे भोजन भी दे जाता और उसे हौसला भी दे जाता। मौनी, तुम जब भी तुम्हें मैं देखता हूँ तो बहुत ही मन दुखी होता है। तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है? तुम कितनी हंसमुख हुआ करती थी, पूरा जंगल में तुम्हारी ही रौनक होती थी। क्या करूं मिट्ठू भैया, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया है। मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है और ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं। इधर गौरी चिड़िया का बेटा खूब बड़ा हो चुका था। गौरी चिड़िया का वो बहुत ही लाडला था, उसकी तो अपने बच्चे में जान बसती थी। एक दिन डग्गू अपने खिलौने से खेल रहा होता है, वहाँ पर भूरी कौवी का बेटा कल्लू आ जाता है और डग्गू का खिलौना उठा के भाग जाता है। डग्गू उसके पीछे पीछे जाता है और अपना खिलौना उसकी पिटाई करके ले आता है। ये खिलौना मेरे पापा ने लाके दिया है, अगर तुम्हें ज्यादा ही इससे खेलने का शौक है तो अपने खरीद के खेलो। मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि तुमने मुझे मारा, फिर तुम देखना मेरी माँ तुम्हारी कितनी पिटाई करेगी। फिर कल्लू वहां से रोता हुआ भाग जाता है। कल्लू, मेरे बच्चे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
मम्मा, डुग्गू मुझे बहुत मारता है। जब मैं उसके खिलौने से खेलने लगता हूँ तो मुझे वो बहुत मारता है। उस अनाथ की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्ची को मारे। माँ, आप उसे अनाथ क्यों कह रहे हो? उसके तो मम्मी पापा है। ये डुग्गू कौरी चिड़िया का सगा बेटा नहीं है, ये तो पानी में बहता हुआ मिला था। अच्छा मम्मा, मैं उसे अभी बता के आता हूँ। जब उसे पता चलेगा कि वो गौरी आंटी का बेटा नहीं है। फिर कल्लू जल्दी से डुग्गू के पास वापस आ जाता है। तुम फिर यहाँ आ गए, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ हाँ, चले जाओ, यहाँ पे आना ही कौन चाहता है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले सच तो सुनते जाओ। सच? कैसा सच? क्या तुम्हें पता है, जिन्हें तुम अपने मम्मा पापा कहते हो वो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं, बल्कि तुम तो उन्हें नदी में बहते हुए मिले थे। ऐसा कह के कल्लू वहाँ से चला जाता है। इधर डुग्गू को तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह उदास होकर अपने घर चुपचाप आकर बैठ जाता है। मेरे बेटे, आप ठीक हो? तो आप इतने चुप क्यों हो? बताओ मेरे बच्चे, आप कभी भी ऐसे खामोश नहीं रहते हो। मैं आपसे जो पूछूंगा वो सब सच बताएं। बेटा बताओ तो, बात क्या है? तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? बेटा आप कैसी बात कर रहे हो, आप हमारे ही सगे बेटे हो। तो फिर आप मेरी कसम खाएं, गौरी चिड़िया तो खामोश ही रह जाती है। मनु चिड़ा उसे दिलासा देता है, ये समय उसे कुछ नहीं समझाएगा, पर आने वाला समय उसे सब कुछ समझा देगा। डुग्गू सीधा भूरी कवि के घर जाता है। आंटी आप बताएं, आप सब बताएं। हाँ, तुम मनु चिड़ा और गौरी चिड़िया के बेटे नहीं हो? तो मैं किसका बेटा हूँ? मुझे इतना तो नहीं पता। हाँ, पर पिछले साल दूसरे जंगल में बाढ़ आई थी तो नदी में बहते हुए तुम गौरी चिड़िया को मिले। गौरी चिड़िया ने तुम्हें उठा लिया था, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। उसने तुम्हारे माता पिता को ढूंढने के बजाय तुम्हें खुद ही रख लिया। अब तुम्हारे माता पिता कैसे रह रहे होंगे तुम्हारे बिना? मुझे अपने माता पिता को ढूंढने जाना होगा। फिर डुग्गू वहाँ से चला जाता है और जिस जंगल में बाढ़ आई थी उस दिशा की तरफ चला जाता है। वह उस जंगल में पहुँच जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ मिट्टू तोता उसके पास आता है। बेटा क्या बात है, तुम मुझे इस जंगल की तो नहीं लग रहे हो। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? अंकल मैं इसी जंगल का हूँ, पिछले साल इस जंगल में बाढ़ आई थी, तभी मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया था। कहीं ये मौनी चिड़िया का बेटा तो नहीं है? चलो बेटा, मैं तुम्हें एक चिड़िया से मिलाता हूँ, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर सके। फिर मिट्ठू तोता डुग्गू को मौनी चिड़िया के पास लेके जाता है। मौनी चिड़िया, ये इस जंगल में नया आया है, ये अपने माता पिता से बाढ़ में बिछड़ गया था। बेटे मेरे पास आओ। डुग्गू मौनी चिड़िया के पास जाता है। मौनी चिड़िया डुग्गू को अपने गले लगाती है। मिट्ठू भैया, ये तो मेरा बेटा ही है। जब मैंने इसे गले लगाया मुझे बिल्कुल वो ही एहसास हुआ जैसे मुझे अपने अंडे से होता था। डुग्गू भी अपनी माँ के गले लगे रहता है। चिड़िया बहन, मैं तो इस बच्चे को देखते ही समझ गया था कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, ये तो कोई चमत्कार ही हो गया। डुग्गू बेटा, आपको अब तक किसने पाला? फिर डुग्गू दोनों को सब बताता है।
इस पर मौनी चिड़िया खुश भी होती है और दुखी भी। चिड़िया बहन, आप इतनी उदास क्यों हो गई हो? मिट्टू भैया, वो चिड़िया कितनी अच्छी होगी जिसने मेरी बच्ची को इतने अच्छे से पाला है। बेटा, जिस माँ ने तुम्हें पाला है वही तुम्हारी असली माँ है। तुम जाओ बेटा अपनी माँ के पास। वो परेशान हो रही होंगी, लेकिन माँ मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता। इधर गौरी चिड़िया खूब रो रही थी, मेरा बच्चा मुझे ला कर दो, मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती और मैं भी अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह सकता। फिर वह गौरी चिड़िया को गले लगा लेता है और फिर सभी खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं।